नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सस्ती सी दिखने वाली, टेस्टी सी और हेल्दी सी परवल की भरवा सब्जी, जो कि खाने में भी टेस्टी बनेगी और बनने में भी बहुत आसान है और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, ये लिया हमने 150 ग्राम परवल और अब हम इनको इस तरह से ऊपर से पूरा छिलका नहीं उतारेंगे, इस तरह से चाकू से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट है वो निकाल देंगे, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, और इस तरह से दोनों साइड से कट लगा लेंगे, बीच में भी कट लगा लेंगे। जो परवल अंदर से पकी हुई है उनके बीज निकाल देंगे और जो कच्ची है उनके बीज उनके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि हम भरवा परवल बना रहे हैं इसलिए कुछ इस तरह से पकी हुई की बीज इस तरह से निकाल देंगे ताकि हम इसमें मसाला आराम से भर सके। और कच्ची के बीज क्या है, जब हम इसको पकाएंगे तो अपने आप ही पक जाएंगे, तो उनको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पके हुए बीज हमने निकाल दिए हैं। इसी तरह सारी परवल को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी परवल को ऊपर से छील लिया है, पीलर से नहीं छीलना है, चाकू से हल्का हल्का छीलना है ताकि इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रीन पार्ट है वो निकाल देंगे तो ये पकने में भी आराम से पक जाएगी ताकि हम उसमें आराम से मसाला भर सके। अब इनको कचरे को हम फेंक देंगे और परवल को एक बार और वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको वॉश कर लिया था, हम वापस वॉश कर लेते हैं। परवल को हमने वॉश कर लिया है, अब हम पहले मसाला बनाएंगे। हम परवल की सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे ताकि हम इसे सफर में भी लेके जा सके, क्योंकि प्याज लहसुन डालने से गर्मी की वजह से सफर में सब्जी खराब हो सकती है। यदि आप सर्दी में बना रहे हो तो आप प्याज लहसुन डाल के बनाइए, अभी हम गर्मी में बना रहे हैं इसलिए बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे ताकि रास्ते में ही खराब ना हो। ये लिया हमने एक पैन और इसमें 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून तेल ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पहले इसका मसाला बनाएंगे उसके बाद हम परवल को बनाएंगे। तो हम जो फिलिंग बनाएंगे उसमें हम बेसन का यूज करने वाले हैं। तेल गर्म हो गया है, ये हमने 1 कप बेसन लिया है, इसे पहले थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि हमारे बेसन में कच्चापन ना रहे। गैस की फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम ताकि हमारे ये बेसन जले नहीं। बेसन को थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक भून लेते हैं और इसे ज्यादा ऑयल डाल के नहीं भूनना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिले। और जो हम ये डिश बना रहे हैं उसे खा के कमेंट जरूर करें कैसी बनी है। बेसन हमारा भुन गया है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसी में इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि अभी पैन गर्म है। इसी टाइम हम इसमें ऐड करते हैं 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन मसालों को भी, अभी हमारा पैन गर्म है तो इनको भी साथ में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो भी इनमें कोई मॉइस्चर वगैरह हो वो भी उड़ जाए और हमारा ये मसाला काफी दिन तक खराब ना हो। और फ्रेंड्स, यदि इसमें से मसाला बच भी जाए तो आप इसके दूसरी बार भी बना सकते हो, खराब नहीं होता है। और आप इसे भरवा पराठा भी बना सकते हो, पराठा की रेसिपी मैंने दी हुई है वो आप देख लें। यदि आपके पास अमचूर ना हो तो आप
अमचूर की जगह नींबू भी ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंफ पाउडर, जो कि हमारे सब्जी का स्वाद बढ़ाएगा। अब इसे ठंडा होने देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने मसाले को ट्रांसफर कर लिया है। अब जो हमने परवल कटिंग की थी उनमें इस मसाले को अच्छी तरह से इस तरह से दबा के भर देते हैं। यदि आप लोगों को प्याज वगैरह यूज करने हो तो आप पहले प्याज को फ्राई करें और उसके बाद मसाला फ्राई करें, ताकि आपके प्याज कच्चे नहीं रहेंगे। परवल में हमने मसाला भर दिया है। अब हम इसकी सब्जी बनाते हैं। वापस लिया हमने वही पैन। अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म होने देते हैं। हम इसमें मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं। आप जो भी ऑयल खाते हो वही यूज करें। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/3 चम्मच जीरा और 1/3 चम्मच ही सौंफ। सौंफ से हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1/3 चम्मच ही हींग, क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें हींग ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करते हैं पिंच जितनी हल्दी, यानी कि हल्दी पाउडर, और जो हमने परवल भर के रखी थी उन्हें इसमें ऐड कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा मसाला था वो हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि पहले ऐड करने से मसाला जल जाएगा, इसलिए हम सिर्फ परवल को ऐड करेंगे अभी। इसे हम बिना पानी वगैरह डाले पकाने वाले हैं, इसलिए अब हम इसको ढक देते हैं, ताकि स्टीम से हमारी परवल बन के रेडी हो जाएगी। बीच में 2 से 3 बार चलाएंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और हमारी सब्जी अच्छी सी बन के रेडी हो। गैस की फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, ताकि हमारी परवल जले नहीं। परवल को एक बार हमने पलट दिया था, हम वापस पलट देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। वापस रख देंगे, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी परवल पकने लगी है। इसी तरह अलट पलट कर पका लेंगे इसको। फ्रेंड्स सब्जी चेक करते हैं। ये देखिए हमारी परवल पूरी पक के रेडी हो गई है। बिना पानी के हमने इसको बनाया है, ताकि हम इसे बाहर भी ले जा सकें। इसे आप रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी परवल बन के रेडी। अब जो हमने मसाला रखा था साइड में उसे इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे परवल की सब्जी बनके रेडी। गैस को करते हैं बंद और सब्जी को सर्व करते हैं। सब्जी को सर्व करेंगे हम। ये देखिए ना तेल ज्यादा हुआ है, एकदम अच्छी सी सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये हमारी परवल की सब्जी बनके रेडी। ना तेल है ना कोई एक्स्ट्रा मसाला है, आप इसे कैसे भी लेके जा सकते हो साथ में, और घर पे भी खाना हो तो आप इसे 2 से 3 दिन स्टोर करके खा सकते हो। खराब नहीं होती है, बाहर एक दिन खराब नहीं होगी, फ्रिज में 2-3 दिन खराब नहीं होगी। थोड़ा सा हरे धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। यह हमारी सब्जी खाने के लिए रेडी है।